नमस्कार किसान भाइयों, इस समय गाजीपुर मोर्चे पर उपस्थित हूँ मैं। दोस्तों, जैसा कि अभी पुलिस द्वारा अल्टीमेट दिया गया था इस मंच को खाली करने के लिए, हमारी पानी की सप्लाई बंद कर दी, लाइट बंद कर दी। हमने प्रशासन को कहा कि कोई बात नहीं, हम तब तक नहीं उठेंगे, आप हमें गिरफ्तार कर लो। ऐसा होता है, वो गिरफ्तार करने आते हैं तो टिकैत साहब भी साथ में थे। उन्होंने क्या किया, सरकार द्वारा यहाँ का लोनी का विधायक है, एक बीजेपी के कार्यकर्ता को बाहर खड़ा किया जाता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद जो हमारे किसान भाई जाएंगे, सरदार भाई जाएंगे, उनके साथ बदतमीजी करने का षड्यंत्र था। जैसे ही पता लगा, टिकैत साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। इस समय हम मंच पर ही बैठे हुए हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चीज़ को चलते चलते शेयर कीजिए मेरे सभी भाई। वो रोने लग गए, उन्होंने कहा कि मैं सरदारों को नहीं पिटवा सकता, मैं किसानों को नहीं पिटवा सकता, आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे लोगों को पिटवाओगे, मुझे मेरे लोगों को मरवाओगे, बदतमीजी करवाओगे, टेंटों में आग लगवाओगे, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, किसानों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये होता है किसान नेता हमारा, एक वो बीएम सिंह और एक ये राकेश टिकैत जी। उन्होंने कहा, सिखों का बताया उन्होंने कि जब कोरोना में डेढ़ डेढ़ दो दो लाख लोगों को एक एक दिन में भोजन करवाते थे, तो उस समय ये अच्छे थे, उस समय बहुत अच्छे थे, आज ये आतंकवादी हो गए। शेयर कीजिए मेरे भाइयों, चलते चलते किसान भाइयों, शेयर कीजिए। अब आज का स्टैंड ये है, इस समय गाजीपुर का माहौल देखिए, ये समय गाजीपुर बॉर्डर का माहौल है। इस समय उनका स्टैंड है, हम सब लोगों का स्टैंड है, हमें गोली मार दे सरकार, कुछ भी कर दे, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। ये बीजेपी के गुंडों से हमारे किसान भाइयों को मरवाना चाहते हैं, बदतमीजी करवाना चाहते हैं, आरएसएस की चाले हैं ये, हमें गिरफ्तार करते गाया गया नीचे है? क्यों आया, ये देखिए, इधर दिखाइए, राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं, मंच पर ही बैठे हुए हैं, जा दिखा के ले आ। ये देखिए, इधर राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं, जल्दी कीजिए। ये देखिए गाजीपुर के हालात, हमने ट्रैक्टर लगा के चारों ओर से अपने कैंपस को बंद कर दिया है और सभी वॉलंटियर्स को बुला लिया है, देखी जाएगी जो होगा। आप भी सुबह से अभी से तैयारी कीजिए, दबाव बनाइए पूरा, आ जाइए, अब आने का वक्त है यार। एक टिकैत साहब जो है, टिकैत साहब बिल्कुल अड़ गए हैं, उन्होंने कहा मुझे मार दीजिए, मैं लटक जाऊंगा फांसी से, लेकिन जाऊंगा नहीं छोड़ के। भाजपा के गुंडे ये काम करवाना चाहते थे, नीचे लोनी का विधायक आ गया यार, बताओ, जब सब चीजें जाने वाले थे, बुजुर्ग लोग निकलने वाले थे कि चलो हमने कह दिया कि भाई सब लोग आप जाइए शांतिपूर्ण तरीके से, जिन्होंने गिरफ्तारी देनी है दे दीजिए, उसके बावजूद भी इन्होंने नीचे गुंडे खड़े कीजिए। मान साहब बताइए क्या कहना चाहोगे, शेयर करो मेरे भाइयों, चलते चलते शेयर करो। देने के लिए तैयार थे राकेश टिकैत जी के साथ, पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन शाम को जब पुलिस हमको गिरफ्तार करने के लिए आई, उससे पहले पे हेलमेट लगाए हुए थे वो, और पूरी तैयारी थी हमारे यहाँ तोड़फोड़ करते हैं, आग भी नहीं करने की पूरी तैयारी थी। बीजेपी की जो अपने प्लान जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे ये काम करवाती है, पहले भी करवाती आई है, आज भी बहुत बड़ी साजिश पर्दाफाश हुआ है। हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने स्टैंड लिया है और कहा है कि अगर ये इस तरीके से गुंडागर्दी करेगी बीजेपी, हम गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं देंगे, पुलिस प्रशासन वापस चल जाए, हम गोली खाने के लिए और इनको जो भी विधायक इनके आए हैं उनको यहाँ बैठाया जाएगा, उनको अपने यहाँ बैठाएंगे और उनका बंधक बनाया जाएगा उनको। आप आ जाओ, इसलिए साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाएं। हमने दोबारा से यहाँ पे टिकैत साहब बैठ गए, आपने देख लिया है, हमारे साथ बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं विधायक। मैं भी टिकैत साहब के पास लेके जाता हूँ, इसमें मंच पर ही उपस्थित है हम लोग, मंच पर ही रात काटनी है हम लोगों ने। शेयर करो, चलती जल्दी वीडियो शेयर करो, तैयारी करो मेरे भाइयों। टिकैत साहब ने पूरे प्रदेश में आह्वान कर दिया है, ट्रालियां जितनी भी ट्रालियां सुबह गांव से लेके आओ। हम इस समय दोस्तों देखिए, अगर कोई भी बात होगी प्रशासन इस चीज़ का जिम्मेदार है। ये हमारे गाजीपुर बॉर्डर का माहौल है, शेयर कीजिए मेरे भाइयों, चलते चलते। अगर किसान के बेटे हो तो शेयर कीजिए मेरे भाइयों, जितनी हो सके शेयर कीजिए। अभी मैं आपको राकेश टिकैत जी के पास भी लेके जाऊंगा। ये देखिए हमारे एक्स आर्मी तैयार है, पूरी तरह तैयार पर तैयार है, बोले कोई बात नहीं, जो मर्जी हो जाए, पानी की सप्लाई काट दी आज इन्होंने, पानी नहीं दिया सरकार ने, बताइए। वो शांतिपूर्ण तरीके से जब जाना चाह रहे थे, जा रहे थे, रास्ते में बदतमीजी करवा रहे हैं, कॉलोनियों से लोग बुलवा लिए इन्होंने आरएसएस वाले, बीजेपी के, बताइए क्या माहौल बनाना चाहते हैं ये दंगा करवाना चाहते हैं इसका मतलब। शेयर कीजिए यार, घरों में बैठे हो मेरे भाई, शेयर कीजिए, आओ ज्यादा से ज्यादा लोग निकलो घरों से। ये इस समय का माहौल है गाजीपुर बॉर्डर का, ये सामने टिकैत साहब बैठे हुए हैं हमारे,
दूसरे देश के आते हैं उनके लिए इष्टकैया साहब बैठे हुए हैं हमारे। ये तो देश के, ये धर्मेंद्र भाई हमारे, धर्मेंद्र भाई मेरे वाले फेसबुक अकाउंट से है, कुछ कहिए। मेरा यही कहना है कि देखिए सरकार निजी लोगों के मदद से, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी मदद से, विधायकों की मदद से, सांसदों की मदद से किसानों के साथ षड्यंत्र करना चाहती है। ये किसान नेताओं की हत्या भी हो सकती थी जिस तरह के षड्यंत्र आज किए गए। अब गांव वालों, उन किसानों से मेरी धरती पुत्रों से अपील है, नौजवान साथियों से अपील है कि अगर ये आपकी पगड़ी जो दिल्ली में है, अब आप इसको आप ही बचा सकते हो। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये हमारे धर्मेंद्र जी हैं राष्ट्रीय पर, ये भारतीय किसान यूनियन से हैं, राष्ट्रीय लेवल के हमारे नेता हैं, हमारे भाई जैसे के टिके हुए हैं, ये देश के झंडे के साथ हमारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं। ये मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मेरे भाइयों शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और पहुंचो, सभी पहुंचो यार। किसान भाइयों कहाँ यार आप, क्या यार मैं क्या कहूँ आप लोगों को बताइए। ये अब भी जमीर नहीं जागेगा आपका तो यार कब जागेगा जमीर यार, आपकी किसानी यार हद हो गई यार। क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है अब आपके लिए कहने के लिए। घरों में बैठे हो, कोई कह रहा मेरे ये है, कोई कह रहा ये है, यार किस चीज का डर है आप यहाँ पर बैठे हुए हैं यार। कमाल है यार, टिकैत साहब ने इतना बड़ा एक्शन लिया, उन्होंने कहा मैं फांसी ले लूंगा, मुझे गोली मार दो लेकिन जाऊंगा नहीं, यहाँ पर बदतमीजी नहीं करवाऊंगा अपने किसान भाइयों के साथ। अब भी आप नहीं जागोगे तो मैं सोच रहा हूँ कि टिकैत साहब से आपकी बात करवाऊँ अभी। ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने सेना में देश की, कैसे साफ से भी मैं आज ये अपना दायित्व तो किसानों के प्रति, अपने दायित्व को अपने परिवार के प्रति दायित्व, कैसे साफ इस समय व्यस्त है। मेरे भाइयों शेयर करो। बापू जी स्नेहा लाओ कोई इधर आके लाइव या हेलो हेलो, चलो कोई नहीं क्या मैं यही से नहीं आया। हाँ जी ये पांच बंदे यार फ्लैश लाइट जगह पर ना लड़े पटा साहब रहते रहते कोई नहीं, की कहना चाहोगे पटा साहब। कह रहे आप भाई हुन इज्जत दा सवाल हो गया, पग दा सवाल आ। मैं सारे किसान भाइयों नु बेनती करता वा भी सवेरे जिस तरह भी आन झंडे ना ला के आन गड्डिया से, ओदा ही आन गड्डिया लेके होम आके आ जाओ ताकि साड़ी कामयाबी हो जाए, नहीं तो असि गुलाम हो जाए गोर पर दे लिए। मैं दोबारा बेनती करता, दोबारा ज्यादा तो ज्यादा किसान सवेरे इतने हाजिर होना आके ताकि अपना कामयाबी हो जाए। ये साढ़े बड़ा साथ सी मेरे दोस्तों, मेरी बेनती है तहनों, बेनती आ जाओ यार वीरो, आ जाओ यार, कुछ नहीं होंगे। जड़ा वीर तुर पा सके हूँ ही तुर पो, सारे कॉल करो यार। कल का वादा किया, कल भी असं रुके यार, इन्ने के जाने रुके हैं यार, हद हो गई यार। मैं तो फिर कहूँगा चूड़ियाँ पा लो यार वीरों, जो हूँ नहीं आ सकते थे यार, उदा के बड़े हम आके होंगे ही, अं डरते नहीं ये यार। मैं तुम्हें सलाम करता यार सारे ताडे वीरां नूं, तुसीं बहुत साथ दिता यार, हूँ भी निकलो घरों बहार यार। एक अपने टिकैत साहब यार, पूरी टीम है अपने लिए अज लगी हुई है, मरन तक तैयार है यार, कहते साड़ी जान निकल दे, लेकिन नहीं सरदारों ने तो ऐसा खतरे च नहीं जा भैन देवे यार, तो तुम घर से बैठे जे यार वीरो, लांते यार मेरे वीरो, आ जाओ यार वीरो। बाकी मैं तुम्हें दसदा रहूँगा, आ साड़ी आ देखो वीरो स्टेज के उत्ते ही हाँ, मैं सारी रात इतने सोना है स्टेज पर ही, जो हों वेखी जूगी। आ जाओ तुम शेयर करो, चलती चलती वीडियो शेयर करो जिनी कर सकते हो वीरो।